स्टूडेंट्स, अब हम फेयर्स एंड फेस्टिवल पार्ट टू करने जा रहे हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, द ट्रेड फेयर लवी इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ नवंबर एट, कि जो लवी का ट्रेड फेयर है वो नवंबर महीने में मनाया जाता है और वो कहाँ पे मनाया जाता है। नंबर वन ऑप्शन है रामपुर बुशहर और रोहड़ू। तो इसका सही आंसर है रामपुर बुशहर। इसके साथ आपको ये भी बता दूं कि ये जो लवी वर्ड है ये लोई शब्द से डिराइव्ड किया गया है जिसका अर्थ है शीट ऑफ वूलन क्लोथ। और ये जो लवी फेयर है ये एक इंटरनेशनल फेयर है। ये एक व्यवसायिक मेला है जो कि बुशहर स्टेट के राजा थे, उन्होंने इसकी शुरुआत 1681 में शिमला में की थी। ये शिमला के साथ साथ हिमाचल प्रदेश का भी सबसे महत्वपूर्ण व्यापार और वाणिज्यिक मेला है जिसमें ऊन, घोड़े, खच्चर, दाक, सूखे मेवे आदि शामिल हैं। ये मेला 17वीं शताब्दी के अंत में बुशहर राज्य और तिब्बत के बीच व्यापार संधि पर हस्ताक्षर का परिणाम है। आदिवासी लोग इसमें चौमुखी के घोड़े भी बेचते हैं। यहाँ पे जो अब चौमुखी घोड़े हैं उन्हें स्पीति पोनी भी बोला जाता है, जो कि हिमालय और स्पीति वैली में देखने को मिलते हैं। तो इसमें कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो चौमुखी हॉर्सेस हैं ये कहाँ पर होते हैं। तो ये ज़्यादातर आपको हिमालय और स्पीति वैली में देखने को मिलते हैं। दूर दूर से लोग इन चौमुखी हॉर्सेस को खरीदने के लिए आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाग फेयर इज सेलिब्रेटेड इन, ये जो फाग का मेला है ये कहाँ मनाया जाता है। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है किन्नौर और दूसरा ऑप्शन है रामपुर बुशहर। तो इसका सही आंसर है रामपुर बुशहर। अब ये जो फाग का त्यौहार है ये कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है आपका मार्च में। साथ ही ये हिंदू नववर्ष के स्वागत के लिए उत्सव के तौर पे मनाया जाता है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये हिंदू नववर्ष के स्वागत के लिए एक वार्षिक फाग मेला आयोजित किया जाता है। ये फाग मेला सदियों पहले का है जब बहुत सारे चरवाहे भेड़ों के झुंड के साथ महल के द्वार पर आते थे, तब राजा उनके लिए मेले का आयोजन करता था। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सैरी और सयारी फेयर आर सेलिब्रेटेड इन, कि जो सैरी और सयारी मेला है ये कहाँ पर मनाया जाता है। तो इसके ऑप्शन है अर्की, मशोबरा, कुनिहार और ऑल। तो इसका सही आंसर है ऑल। अब इसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी पता होनी चाहिए कि ये जो मेला है ये हर साल सितंबर में मनाया जाता है। ये हिमाचल प्रदेश के अर्की, कुनिहार और मशोबरा के क्षेत्रों में मनाए जाने वाला सैरी सांस्कृतिक महत्व का मेला है। ये मेले की मुख्य विशेषता भैंस की लड़ाई है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सेयार फेयर आर आल्सो सेलिब्रेटेड इन, तो ऑप्शन है हमारे बकलो, कांगड़ा, सवाथू, करसोग या ऑल। तो इसका सही आंसर है ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नलवाड़ी फेयर आर सेलिब्रेटेड इन, कि जो नलवाड़ी का मेला होता है ये कहाँ मनाया जाता है। तो इसके ऑप्शंस है बिलासपुर, जोगिंदरनगर, सुंदरनगर या ऑल। तो इसका सही आंसर है आपका बिलासपुर। ये जो नलवाड़ी का मेला होता है ये स्टेट लेवल का मेला है, ये मार्च महीने में मनाया जाता है। इस मेले की मुख्य विशेषता ये है कि ये वार्षिक पशु मेला है जिसमें देश भर से पशुपालक भाग लेते हैं। ये मेला डब्ल्यू गोल्डस्टीन के द्वारा 1889 को शुरू किया गया था, जो कि शिमला हिल स्टेट के सुपरिटेंडेंट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन बिलासपुर बिफोर 1961 नलवाड़ी फेयर वॉज हेल्ड एट,
कि जो बिलासपुर में जो नलवाड़ी का मेला लगता है ये 1961 में कहाँ पे लगता था? तो इसके ऑप्शंस है सांडू का मैदान या हरा बाग। तो इसका सही आंसर है आपका सांडू का मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर इज नलवाड़ी फेयर ऑफ बिलासपुर ऑर्गेनाइज टूडे विच लास्ट फॉर 7 days। इसमें अब ये पूछा गया है कि जो नलवाड़ी का मेला है जो कि बिलासपुर में मनाया जाता है और जो 7 दिन तक चलता है वो अब कहाँ पे मनाया जाता है? तो ऑप्शन है पड्डल ग्राउंड या लुहनू ग्राउंड। तो इसका सही आंसर है आपका लुहनू ग्राउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका, नलवाड़ी फेयर वो स्टार्टेड इन बिलासपुर इन 1889 AD बाई शिमला हिल स्टेट सुप्रीटेंडेंट W. गोल्डस्टीन ड्यूरिंग द रूल ऑफ राजा। कि ये जो नलवाड़ी का मेला है जो कि बिलासपुर में 1889 में शुरू किया गया था और ये शिमला हिल स्टेट के सुप्रीटेंडेंट W. गोल्डस्टीन के द्वारा शुरू किया गया था, उस टाइम बिलासपुर के राजा कौन थे? तो ऑप्शंस हैं ध्यानचंद या अमरचंद। तो इसका सही आंसर है आपका अमरचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो नलवाड़ी फेयर है जो कि मार्च और अप्रैल में सुंदरनगर में भी मनाया जाता है ये किस तरह का मेला है? सबसे पहला ऑप्शन है आपका जात्रा है ये एक टाइप की, या केटल फेयर है। तो इसका सही आंसर है कि ये नलवाड़ी जो फेयर है ये क्या है, केटल फेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता बद्री देवा मेला इज सेलिब्रेटेड इन, कि जो माता बद्री देवा मेला है वो कहाँ पे मनाया जाता है? तो ऑप्शन है आपके पास जोगिंदर नगर और सुंदर नगर। तो इसका सही आंसर है आपका जोगिंदर नगर। नेक्स्ट है आपका थ्रिशूर फेयर इज हेल्ड एट, कि जो थ्रिशूर का मेला है वो कहाँ पर मनाया जाता है? तो ऑप्शन है रिवॉल्सर इन मंडी या जोगिंदर नगर। तो इसका सही आंसर है रिवॉल्सर इन मंडी। अब इसको कहीं जगह थ्रिशूर फेयर भी बोला गया है तो कहीं पे चेशु मेला भी बोला गया है, तो इसमें कंफ्यूज ना हो। ये जो थ्रिशूर फेयर है ये मार्च के महीने में मनाया जाता है। ये कब मनाया जाता है? मार्च के महीने में। और ये मेला मंडी जिले के रिवॉल्सर में मनाया जाता है। बोधों द्वारा मनाए जाने वाला एक समारोह है। भारत और विदेशों के हजारों बोध 2 दिवसीय चिशु मेले का जश्न मनाने के लिए मंडी के रिवॉल्सर झील में इकट्ठा होते हैं। ये मेला गुरु पद्म संभव की जयंती के रूप में मनाया जाता है, जिन्होंने कई वर्षों तक रिवॉल्सर झील के तट पर ध्यान लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिप्पी फेयर। ये जो सिप्पी फेयर है इज हेल्ड इन द मिडल ऑफ मई एट, कि जो सिप्पी का मेला है जो कि मई महीने में मनाया जाता है वो कहाँ पर मनाया जाता है? तो इसके ऑप्शन है नालदेरा या मशोबरा नियर शिमला। तो इसका सही आंसर है मशोबरा नियर शिमला। ये जो सिप्पी फेयर है मशोबरा से 2 किलोमीटर दूर उपनगर सिपूर में मनाया जाता है, जिसका नाम सिप्पी देवता के नाम पर रखा गया है। इस मेले में आसपास के हजारों लोग शामिल होते हैं। ये सांस्कृतिक गतिविधियों, करतब दिखाने, जादू शो और तीरअंदाजी खेल के साथ मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिप्पी फेयर इज हेल्ड इन द प्रेज ऑफ, कि जो सिप्पी का मेला है ये किसकी प्रेज में मनाया जाता है? तो ऑप्शन है लॉर्ड शिवा या लॉर्ड कृष्णा। तो इसका सही आंसर है लॉर्ड शिवा। नेक्स्ट आता है हु फर्स्ट स्टार्टेड सिप्पी फेयर एट मशोबरा इन द ओनर ऑफ लॉर्ड शिवा। तो इसका मतलब है कि जो भगवान शिव के ओनर में जो सिप्पी का फेयर
मशोबरा में मनाया जाता है उसकी शुरुआत किसने की थी? तो ऑप्शन से आपके राणा ऑफ क्योंथल या राणा ऑफ कोटी। तो इसका सही आंसर है राणा ऑफ कोटी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास मार्कंडिया फेस्टिवल। कौन सा फेस्टिवल की बात हो रही है यहाँ पे? मार्कंडिया फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज्ड इन, कि जो मार्कंडिया का त्यौहार है ये कहाँ पर मनाया जाता है या ऑर्गेनाइज्ड होता है? तो इसके ऑप्शंस हैं बिलासपुर या हमीरपुर। तो इसका सही आंसर है बिलासपुर। ये जो मार्कंडिया का त्यौहार है ये हर साल बैसाख महीने के दौरान 3 दिनों तक मनाया जाता है। यहाँ ऋषि मार्कंडेय की प्रतिमा वाला एक मंदिर स्थित है। एक पुरानी कथा के अनुसार मार्कंडेय ऋषि का जन्म यहीं हुआ था। कहा जाता है कि निसंतान लोग इस तीर्थ के पवित्र जल में डुबकी लगाकर संतान की कामना करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फुलेज इज अ फेस्टिवल ऑफ, जो फुलेज है वो किसका त्यौहार है? तो ऑप्शंस है वर्ड्स या फ्लावर्स। तो इसका सही आंसर है आपका फ्लावर्स। अब यहाँ पे फुलेज त्यौहार की बात हो रही है तो ये जो त्यौहार है ये सितंबर में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? सितंबर। और ये किन्नौर जिले में मनाया जाता है। इसे उकायंद महोत्सव या उक्यम महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। तो कई बार आपको ये पूछ लेते हैं कि इसे और क्या बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है उकायंद महोत्सव, और साथ में बोला जाता है उक्यम महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। ऊ शब्द का यहाँ पे ये जो ऊ शब्द है, अब यहाँ पे जो ये ऊ शब्द है इसका अर्थ है फूल, जबकि ये जो कायंद यानी कि कयांग का अर्थ है त्योहार। इस प्रकार फुलाइज फूलों का, ये जो फुलाइज वर्ड है ये किसका त्यौहार है? फूलों का त्यौहार है। ये एक सप्ताह तक चलता है। किन्नौर जिले के गांव के 10 राजपूत या कुछ चुनिंदा लोग ऊंची पहाड़ियों पर जाते हैं और फूलों के संग्रह के साथ लौटते हैं जो कि गांव के देवता को अर्पित किए जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि कुछ फूल इतने सुगंधित होते हैं कि उनकी तेज खुशबू से चक्कर भी आने लगते हैं। त्यौहार के सभी दिनों में ग्रामीण सबसे अच्छे कपड़े पहन के पेड़ों के नीचे नृत्य करते हैं। उनके साथ गांव के पुरुषों की वापसी फुलाइज के मुख्य दिन के रूप में मनाई जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फुलेज फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन, कि ये जो फुलेज महोत्सव है ये कहां पर मनाया जाता है? तो ऑप्शन है किन्नौर या पांगी। तो इसका सही आंसर है, हमने पीछे डिस्कस भी किया है कि ये कहाँ मनाया जाता है, किन्नौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्री ग्रतन फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन, कि श्री ग्रतन फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है? तो ऑप्शन है आपके भरमौर या लाहौल। तो इसका सही आंसर है लाहौल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जागरा इज अ होल नाइट, यहाँ पे किसकी बात की जा रही है? जागरा। जागरा इज अ होल नाइट फेस्टिवल परफॉर्म टू प्रोपिटिएट द लॉक डेटी इन विच लोकल पीपल गैदर अराउंड द टेम्पल। इट इज पॉपुलर इन डिस्ट्रिक्ट। ये जो जागरा महोत्सव है जो कि पूरी रात का महोत्सव है जो कि लोकल देवता के लिए मनाया जाता है, जिसमें लोग मंदिर में इकट्ठा होकर पूरी रात जागरा करते हैं। ये कहाँ का त्यौहार है या कौन से जिले का त्यौहार है? तो इस ऑप्शन से हमारे कांगड़ा या शिमला हिल्स। तो इसका सही आंसर है आपका शिमला हिल्स। अब यहाँ पे जागरा की बात की जा रही है। ये जो जागरा का त्यौहार है ये हर साल सितंबर महीने में मनाया जाता है और ये सितंबर महीने के 4th दिन मनाया जाता है। ये किसी भी ग्राम देवता को अर्पित किए जाने वाला एक त्यौहार है। जैसे कि महासु देवता
को राज्य के ऊपरी शिमला पहाड़ियों, किन्नौर और सिरमौर क्षेत्रों में भी पूजा जाता है। गायन के साथ साथ नृत्य भी त्यौहार की सामान्य विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डोलरू। डोलरू इज अ न्यू ईयर फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन, ये जो डोलरू है ये नए साल का त्यौहार है, ये कहाँ पर मनाया जाता है? तो ऑप्शन है भरमौर या रामपुर। तो इसका सही आंसर है आपका भरमौर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्टेट लेवल होली फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड फ्रॉम 17 to 20 March एट, कि जो स्टेट लेवल होली फेस्टिवल है जो कि 17 से 20 मार्च के बीच में मनाया जाता है, ये कहाँ पर मनाया जाता है? सुजानपुर टीरा या कुल्लू। तो इसका सही आंसर है सुजानपुर टीरा। चेचू मेला जो कि एक धार्मिक मेला है जो कि मार्च में मनाया जाता है और जो रिवालसर में मनाया जाता है, वो किस जिले में आता है? तो इसके ऑप्शन है शिमला या मंडी। तो इसका सही आंसर है मंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लदारचा मेला अ कमर्शियल कल्चरल एंड रिलीजियस फेयर अटेंडेड बाय ट्रेडर्स फ्रॉम लद्दाख बुशहर लाहौल एंड स्पीति इज हेल्ड इन द मंथ ऑफ जुलाई अगस्त एट काजा इन। ये जो लद्दाचा मेला है जो कि एक कमर्शियल कल्चरल और रिलीजियस फेयर है जो कि लद्दाख बुशहर और लाहौल एंड स्पीति के ट्रेडर्स के द्वारा अटेंड किया जाता है, जो कि जुलाई और अगस्त में काजा में कहाँ पर आयोजित होता है? तो इसके ऑप्शंस हैं स्पीति या मुरांग। तो इसका सही आंसर है स्पीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन ऑर्गेनाइज्ड एट किलोंग यानी कि लाहौल स्पीति ऑन 15 अगस्त एंड इट इज पॉपुलरली नोन एज। इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन जो कि किलोंग के लाहौल स्पीति में 15 अगस्त को आयोजित किया जाता है, ये वहां पे किस नाम से जाना जाता है? तो इसके ऑप्शन है ट्रेडिशनल दिवस या इंडिपेंडेंस दिवस। तो इसका सही आंसर है ट्रेडिशनल दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोहरू फेयर अ रिलीजियस एंड कल्चरल फेयर हेल्ड इन अप्रैल, कब मनाया जाता है ये? अप्रैल में एट रोहरू इज डेडिकेटेड टू लोकल डेटी। रोहरू फेयर जो कि एक धार्मिक और कल्चरल फेयर है जो कि अप्रैल में रोहरू में मनाया जाता है, वो किस देवता के लिए मनाया जाता है? तो ऑप्शंस है शिखा या शिखनु। तो इसका सही आंसर है शिखनु देवता के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रेणुका फेयर अ रिलीजियस फेयर इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ नवंबर इन डिस्ट्रिक्ट, कि ये जो रेणुका फेयर है जो कि एक धार्मिक त्यौहार है जो कि नवंबर महीने में मनाया जाता है, वो किस जिले में मनाया जाता है? तो इसके ऑप्शंस हैं आपके सिरमौर या किन्नौर। तो इसका सही आंसर है सिरमौर। अब यहाँ रेणुका फेयर की बात की जा रही है तो ये नवंबर मंथ में मनाया जाता है और ये त्यौहार 6 दिनों तक चलता है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय मेला है, इसकी शुरुआत दिवाली के त्यौहार के 10 दिन बाद होती है। ये मेला रेणुका माता जी और उनके पुत्र परशुराम को समर्पित है। ये माँ पुत्र के पावन मिलन का मेला माना जाता है। इस दिन भगवान परशुराम जामुकोटी से वर्ष में एक बार अपनी माँ रेणुका जी से मिलने आते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है शूलिनी फेयर जो कि एक कल्चरल फेयर है इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ जून। ये जो शूलिनी का मेला है जो कि एक कल्चरल मेला है जो कि जून में मनाया जाता है, वो कहाँ पर मनाया जाता है? तो ऑप्शन है सोलन या शिमला। तो इसका सही आंसर है सोलन। ये जो शूलिनी मेला है ये राज्य स्तरीय मेला है
ये मेला माँ शूर्णी को अर्पित है। इस त्योहार की शुरुआत माँ शूर्णी के भव्य रंगारंग शोभा यात्रा निकालकर बड़े धार्मिक व पारंपरिक उत्साह से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवरात्रि। शिवरात्रि और रिलीजियस फेयर इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ मार्च एट वैजनाथ इन। कि जो शिवरात्रि का धार्मिक त्योहार है जो कि फेब मार्च में वैजनाथ में मनाया जाता है, वो कौन से जिले में मनाया जाता है? तो ऑप्शन है आपके कांगड़ा या मंडी। तो इसका सही आंसर है कांगड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विसाखी मेला और रिलीजियस फेयर इज सेलिब्रेटेड ऑन 13th अप्रैल एट कालेश्वर नियर ज्वालामुखी इन। जो विसाखी मेला है जो कि एक धार्मिक त्योहार है और 13 अप्रैल के दिन कालेश्वर जो कि ज्वालामुखी के पास है वहां पर मनाया जाता है, ये कौन से जिले के अंदर आता है? तो ऑप्शन है मंडी या कांगड़ा। तो इसका सही आंसर है कांगड़ा।